वो मक्का जहां काबा शरीफ है आया, क्या काबा शरीफ जहां हजर अस्वद, जहां आगे जमजम है, जमजम है, जहां सफा मरवा है, जहां मीना है, अरफात का मैदान है, वो मक्का शरीफ में एक यतीम लड़का, 8-9 साल का लड़का आई है, बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, मां की मां आई, इसकी मां है, उसे गनीमत समझो, दुआएं कबूल हो जाएगी, मां की बर्फ बच करो, मां ये दुआ कर दे, मां दुआ करेगी, अल्लाह कबूल है, हर माएगा, करोड़ रुपया तो कमा सकते हो, लेकिन मां का इंतकाल हो गया तो कभी दीदार नहीं कर सकते, मां है तो इसकी खिदमत कर लो, बाप है तो उसकी खिदमत कर लो, इंतकाल के बाद कसम खुदा की ये काम नहीं आएगी दौलत, हाँ मां का दीदार नहीं हो, दौलत तो रहेगी तुम्हारे पास, बंगला रहेगा, सोना चांदी तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन मां या बाप नहीं, इसलिए गनीमत समझो जवानो, मां बाप की खिदमत करो, बीवी के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, मोबाइल के लिए वक्त है, गेम के लिए वक्त है, क्रिकेट के लिए वक्त है, वक्त नहीं तो मां बाप की बार का बैठने का वक्त है, अल्लाह ये मां ये बाप क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मां बीबी आमीना बैठी हुई है, टेक लगाए बैठी हुई है, दादा मुत्तलिफ आए और अपनी बीबी से कहा कि हमारे जो बेटी है उसे बुलाओ बुलाओ, मुझे आज शर्म से सर को झुकाना पड़ा है, मैं काबा शरीफ का खातिब हो, मैंने सर को झुकाया है, कभी नहीं झुकाया, मैं सरदार हो, और इसका क्या सर को झुकाया, तो दादा मुत्तलिफ की बीवी ने अर्ज की कि मेरे सोरे मोहतरम किस बात पर, ये हमारी बेटी है, हमारा बेटा नौजवान, कल नौजवान का इंतकाल हो गया, अभी 4 माह हुए हैं, लेकिन जब ये निकलती है तो खुशबू लगाती है, गांव वाले मुझे कहते हैं आप काबा का तवाफ करके, मुझे कहा दादा मुत्तलिफ तुम्हारी बेटे की बहू है ना, वो तेल लगाती है, ये तो बेवा है, अल्लाह अकबर, तो कहा बेटी इधर आ, बेटी आमीना इधर आ, ठीक है बाबा हुजूर क्या हुक्म है, कहा मेरे बेटे का गम नहीं है, अल्लाह अकबर, तो जिसका शोहर इंतकाल उस औरत को पूछो, अल्लाह अकबर, जो बेवा औरत से पूछो क्या गम है शोहर का, बीबी आमीना रोने लग गई, मुझे बहुत गम है, तो कहा तुम अत्तर क्यों लगाते हो, कहा राज है ये, क्या कहा आजा ये राज है, राज अल्लाह एक कुर्सी ले लो, जरूर शरीफ पढ़िए अल्लाह मसलेला, ये राज है, कहा क्या राज है बेटी बता दे, तो जिस दीवार को टेक लगाए, बीबी आमीना लेती थी ना टेक लगा इस तरह, उस दीवार की मिट्टी ली और कहा अबा हुजूर लो इसे सूंघो, सूंघी तो खुशबू आ रही थी, कहो सुभान अल्लाह, जहां मेरी दीवार टच हो जाती है वहां से खुशबू जारी हो जाए करती है, जहां कदम था कदम बीबी आमीना का वो मिट्टी उठाई, कहा अबा हुजूर ये लीजिए मिट्टी सूंघिए, सूंघी तो कहा खुशबू आ रही है, कहा कसूर मेरा नहीं है, मैं नहीं लगाती है तर, बल्कि तब से तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे पेट में आई, खुशबू जारी हो गई है, यह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से हमल रहा उनकी मां को कसम खुदा की उनसे जिस्म से खुशबू जारी हो जाया करती, पर ये दुरुस्त से अल्लाह हु मसलेला, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज ये कि बीबी आमीना ने कहा अबा हुजूर दादा मुत्तलिफ से कहा बात यह है कि जब मैं पानी के लिए जाती हूं ना पानी के लिए तो अचानक अपने आप पानी ऊपर आ जाता है, कब सुभान अल्लाह, ये पथरीली जमीन है मेरे लिए बम हो जाया करती है, और इतना ही नहीं अबा हुजूर बात यह है कि जिस दरक के करीब से गुजरती हूं मुझे सलाम पेश करते हैं, कब सुभान अल्लाह, जिस पैर से गुजरती हो पैर मुझे सलाम करते, कहा बेटी क्या, तो कहा अस्सलाम तो वो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते, मैं आवाज सुनती हूँ, हाय हाय वो बीबी आमीना है, कहते नहीं नहीं बूढ़ी औरतें मुझे कहती है
बेटी आमीना इधर रुक जाओ, इसलिए कि तू चली जाती है पानी अंदर उतर जाता है, तू जब तक